दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। अगर आपकी आईलैशेस बहुत ही ज़्यादा छोटी हैं और आप उन्हें लंबा घना करना चाहते हैं तो आज मैं आप लोग के लिए ये रेमेडी बता रही हूँ, जिसे करने के बाद आप अपनी आईलैशेस को बहुत ही जल्दी लंबा घना और मोटे आईलैशेस आप पा सकते हो इसे करने के बाद। तो हम इस रेमेडी को बनाते हैं, आपकी पलकों के जो बाल हैं वो झड़के गिर रहे हैं ये उसे भी कंट्रोल करेगा और आपकी जो पलकें हैं कमज़ोर हो गई हैं ये उनको भी इम्प्रूव करेगा। तो चलिए हम तैयार करते हैं अपनी रेमेडी। इसके लिए हमें चाहिए एलोवेरा जेल और विटामिन ई का कैप्सूल। अगर आपके पास फ्रेश एलोवेरा जेल नहीं है तो आप किसी अच्छी कंपनी का जेल भी यूज़ कर सकते हैं। मैं फ्रेश जेल मेरे पास अवेलेबल है तो मैं फ्रेश जेल ही यूज़ कर रही हूँ। आपको लगभग एक छोटा टुकड़ा एलोवेरा जेल का चाहिए। अगर आपके पास फ्रेश एलोवेरा जेल नहीं है तो आप एक चम्मच लगभग जेल का यूज़ कर सकते हैं। फ्रेश एलोवेरा जेल मेरे पास अवेलेबल है तो मैं इसी का यूज़ कर रही हूँ। तो आप देख सकते हैं मैंने ये थोड़ा सा एलोवेरा जेल अच्छे से निकाल लिया है और मैं इसे अच्छे से प्रेस कर लूँगी बिल्कुल ही फ्लैट। उसके बाद हमें जो दूसरी चीज़ चाहिए वो है विटामिन ई का कैप्सूल। आप देख सकते हैं मैंने विटामिन ए का एक कैप्सूल लिया है। विटामिन ई हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद चीज़ होती है तो मैंने यहाँ से पूरा ही विटामिन ई का एक कैप्सूल यूज़ किया है। ये हमारे बालों की जो जड़ होती है ये उसको मजबूत करता है और हमारे बालों को बढ़ने में और इसके साथ ही उन्हें घना बनाने में बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। इसके बाद आपको इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। उसके बाद आपको अपनी पलकों पर कैसे लगाना है, आप अपनी आंखें बंद कीजिए। उसके बाद इसको इस तरीके से हाथ से उठाकर अपनी जो पलकें हैं उन पर इस तरीके से हल्के हाथ से आपको मसाज करनी है इस तरीके से। और आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अपनी पलकों पर लगाने से पहले आपको अपना फेस जो है वो अच्छे तरीके से वॉश कर लें ताकि आपकी पलकों पर जो भी कचड़ा या गंदगी धूल लगी हो वो साफ़ हो जाए। उसके बाद ही इस रेमेडी को यूज़ करें और लगभग 5 मिनट के लिए आपको अपने पलकों पर इससे मसाज करनी है और उसके बाद ही आप अपना फेस अच्छे से वॉश कर लें, अपनी आईज़ अच्छे से धो लें। इससे आपके जो पलकों के बाल होती हैं, जो जड़ें होती हैं वो मजबूत होती हैं, इसके साथ ही साथ बढ़ने में उन्हें हेल्प करता है और आपकी पलकें बहुत ही ज़्यादा घनी और साथ ही साथ शाइनी भी हो जाती हैं। ये है एक छोटा सा उपाय जिसे करने से आपकी आईलैशेस बहुत ही जल्दी इम्प्रूव होंगी। मिलते